Sponsored by Shri Nataraj Oils, Pure Edible Oils. सरकारी विद्यालय भवन की जर्जर हालत का जायजा लेने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री। डोईवाला विधानसभा के दूधली रोड स्थित राज्य के प्राथमिक विद्यालय की बेहाल स्थिति, कमरों में आ रही दरारें, बारिश में टपकती हुई छत, सीलन की वजह से दीवारों से लगता करंट, टूटी फूटी चार दीवारी आदि बहुत सी समस्याओं से विद्यालय काफी लंबे समय से ही जूझ रहा है। विद्यालय की तरफ से लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए विद्यालय का निरीक्षण करने पूर्व राज्य मंत्री करण सिंह बोरा विद्यालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय की ऐसी जर्जर हालत पर चिंता व्यक्त की है। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय फांदोवाला में प्रभारी प्रधानाध्यापक हूं, और हमारी स्कूल में पूर्व राज्य मंत्री श्री करण बोरा जी ने यहाँ का आकस्मिक निरीक्षण किया। स्थिति उनके सामने थी, जो भी था, छत पे पानी रिसता है, जितना हमारे सरकारी संपत्ति है उसका क्या हो रहा है, पानी से सारी नष्ट हो रही है। हमें उस बात का बहुत दुख है, और साथ साथ हमारे स्कूल में यहाँ पे छात्र संख्या हो गई 43। हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कल स्कूल खोलते हैं तो हम अपने बच्चों को कहाँ पे बिठाएंगे। अध्यापिका हूँ, आज यहाँ पर पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा जी आए, उन्होंने हमारे स्कूल की समस्याओं को देखा, जिसमें उन्होंने पाया कि हम तो रोज ही जूझ रहे हैं समस्याओं से, लेकिन उन्होंने भी देखा कि इस विद्यालय की हालत बड़ी ख़राब है, क्योंकि दीवारों से पानी रिसता है, छत से भी पानी तालाब बन जाते हैं, स्कूल पूरा हमारा ना अंदर से दीवारें पूरी दरारें आ रखी हैं दीवारों में, करंट भी आ रहा है, इसलिए हमने कनेक्शन भी कटा रखा है वहाँ से। और कल के दिन स्कूल खुलता है तो हम बच्चों को कहाँ बिठाएंगे, हमारे साथ तो समस्या है ये, कभी कभी हमें टीन सेट के नीचे बाहर बिठाना पड़ता है बच्चों को लेके, तो हम कैसे करेंगे आगे की कार्रवाई। उनके सामने ये सारी समस्याओं का रखा हमने। विद्यालय फांदूवाला ये डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत आता है, और इसकी जर्जर हालत को देखते हुए विभाग के लोगों ने उसका बाकायदा एस्टीमेट वगैरह बना करके भेजा है, और उस पर कार्रवाई जो यहाँ के स्टाफ है टीचर्स उन्होंने कार्रवाई के लिए आगे लिखा है, और आज मैं इसे देखने आया हूँ कि इसकी क्या स्थिति अभी है, और मैं इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी और डायरेक्टर एजुकेशन से बात करूँगा, और इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। और माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और इस डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक भी हैं, उनसे भी मैं वार्ता कर अतिशीघ्र इसमें कार्रवाई कराऊँ।